ब्रेक के बाद का स्वागत है। सोलन में चिट्टा और चरस अपनी जड़ें बेहद गहरी कर चुका है। यही कारण है कि इस काले कारोबार में जुड़े लोगों को रोज सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद भी इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। सोलन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से चरस बरामद की है। एक दिन पहले भी इसी क्षेत्र से युवक को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था। सोलन में चिट्टा और चरस अपनी जड़ें बेहद गहरी कर चुका है। यही कारण है कि इस काले कारोबार में जुड़े लोगों को रोज सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद भी इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से चरस बरामद की है। एक दिन पहले भी इसी क्षेत्र के युवक को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पकड़े गए युवक से गहन पूछताछ की जा रही है और वह चरस की सप्लाई किससे ली जाती है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा जोनाजी रोड पर एक युवक से 372 ग्राम चरस बरामद की है। ये युवक जिसका नाम राजेश कुमार है हमीरपुर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है जिसके तहत नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सोलन की जनता उनका बेहद साथ दे रही है और वे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा सहयोग उन्हें मिलता रहेगा। पिछली रात को यहाँ सदर सोलन में जोनाजी रोड के पास एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश कुमार है और ये नगरोटा गाजिया हमीरपुर का रहने वाला है, इससे हमारी एक टीम जो गश्त पे थी उसने 372 ग्राम चरस बरामद की है और इसमें 20 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। चरस को कब्जा में ले लिया गया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।